गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। कल गाना रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा तो 4-5 दिन पहले से डेट था कि रिलीज हम करेंगे, बट कोई नहीं, होता है सब चीजें और ठीक है ना। और कल एक और गाना रिलीज हो रहा है मेरे बड़े भाई का, और उसमें वो अकेले नहीं, कम से कम हिंदी के 4-3 लोग और हैं। ये नहीं कि मैं डर से पीछे भागा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे चला गया इसलिए क्योंकि देखिए, हम दोनों भाई भोजपुरी को प्रेजेंट नहीं, कहीं दूसरे भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो लड़ने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है किसी चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बुजुर्ग हैं, और हम बुजुर्गों का सम्मान हमेशा करते हैं। हमारे खून में है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान, और हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और कल दोनों गाना रिलीज होता तो कहीं ना कहीं फैन आपस में लड़ते, यूट्यूबर आपस में लड़ते, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। तो मैं उनके लिए छोटा भाई हूँ, उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और आजीवन करूँगा मैं। मेरे गाना, क्योंकि मैंने अपने कंपनी से बात की, सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन जब रिलीजिंग डेट भैया का आ गया तो मुझे लगा जी नहीं, मुझे आगे करना चाहिए, क्योंकि वो एक सम्मान है, वो डर नहीं है, वो एक सम्मान है। मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि कल वो भी लाइव आएंगे और लाइव आकर अपने छोटे भाई के गाने के लिए बोलेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता यार नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि पवन भैया जरूर कल लाइव आएंगे और मेरे गाने के बारे में बोलेंगे। तो मैं, ये नहीं कि मैं डर से पीछे भागा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे चला गया इसलिए क्योंकि देखिए, हम दोनों भाई भोजपुरी को प्रेजेंट नहीं, कहीं दूसरे भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो लड़ने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है किसी चीज़ के लिए। हाँ, भोजपुरी में बहुत सारे चैनल हैं, इसलिए आदमी ये नहीं छोड़ा तो वो छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ा तो वो छोड़ दिया, तो वहाँ पे चलता है। बट मुझे लगता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बुजुर्ग हैं, और हम बुजुर्गों का सम्मान हमेशा करते हैं। हमारे खून में है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान, और हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और कल दोनों गाना रिलीज होता तो कहीं ना कहीं फैन आपस में लड़ते, यूट्यूबर आपस में लड़ते, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। तो मैं उनके लिए छोटा भाई हूँ, उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और आजीवन करूँगा मैं। और कल एक गाना उनका रिलीज हो रहा है और मैं 7 तारीख को रिलीज़ करूँगा। तो मेरे गाना, क्योंकि मैंने अपने कंपनी से बात की, सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन जब रिलीजिंग डेट भैया का आ गया तो मुझे लगा जी नहीं, मुझे आगे करना चाहिए, क्योंकि वो एक सम्मान है, वो डर नहीं है, वो एक सम्मान है। उनका अपने लेवल का गाना है, मेरा अपने लेवल का गाना है, हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, और हम जब मिलते हैं एक दूसरे से तो हमेशा उनसे मुझे एक बड़े भाई का प्यार मिला है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उनसे लड़ूं। और इसमें समस्या ये होती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि फैंस आपस में लड़ जाते हैं, यूट्यूबर लोग लड़ जाते हैं, अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। और एक भोजपुरी का बेटा होने के नाते हम दूसरे इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, उस परिवार को, उस चेहरे को, कि दुनिया कहे कि हाँ यार, ये पवन सिंह है, भोजपुरी का है, ये खेसारी लाल यादव है, भोजपुरी का है, तो लोग कहें। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक दिन आगे कर लेना चाहिए गाना को, जबकि मेरा 6-7 दिन पहले से डेट रिलीजिंग का डेट मारा था गया था। और हमारी खून में है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, और करना चाहिए। मैं अपने भी फैन से बोलता हूँ कि भैया का गाना कल रिलीज हो रहा है तो आप लोग भी उसको प्यार दीजिए, और परसों मेरा हो रहा है, उड़ा के रख दो पगले, इतना उड़ाओ मेरे को कि आसमान में उड़ा दो, लव यू, दिल से लव यू। और मुझे पता है कि वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और मैं तो अपने गाने में अकेला ही हूँ। भैया के गाने में बहुत सारे लोग, हिंदी के बहुत सारे स्टार हैं, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और भैया की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उस गाने को भी आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि भोजपुरी बड़ा हो रहा है, वहाँ पर भोजपुरी का एक बेटा बड़ा हो रहा है, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें भोजपुरी को बड़ा करना है, भोजपुरी के बेटा को बड़ा करना है। ये लड़ने वाली बातें नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि हाँ फैंस आपस में लड़ जाएं, उनका गाना ये हुआ तो उनका गाना ये हुआ, ये गया रे तो वो गया रे, नहीं नहीं रे पगले, आपका भाई बड़ा हो रहा है, आपका भाई बड़ा हो रहा है, आपका बेटा बड़ा हो रहा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, भोजपुरी में तो हम लोग लड़ते ही हैं, भोजपुरी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 75 कंपनियाँ हैं, कोई नहीं, ये नहीं छोड़ा तो वो छोड़ा, वो नहीं छोड़ा तो वो छोड़ा, और ये चीज़ें चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग अलग लेवल पे काम किए हैं, तो दोनों भाइयों को थोड़ा ऊपर नीचा करने में क्या जाता है, और मैं छोटा भाई हूँ उनका प्यारा लाडला हूँ मैं, और प्यारा लाडला हूँ तो मुझे आगे जाने में क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें डरने वाली बात थोड़ी है कि मैं डर के भाग गया, नहीं 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 डरने वाली तो कभी मैं डरता ही नहीं, क्योंकि मैं अपने भाई का सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं सोचा कि मैं आगे चला जाता हूँ, और मुझे पता है कि आज मैं उनके गाने का प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, क्योंकि अलग उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है,
और मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, कि कल वो भी लाइव आएंगे और लाइव आकर अपने छोटे भाई के गाने के लिए बोलेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता यार नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि पवन भैया जरूर कल लाइव आएंगे और मेरे गाने के बारे में बोलेंगे। वो अपने फैन से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने फैंस को बोलेंगे, अपने यूट्यूबरों को बोलेंगे। मैं भी अपने यूट्यूबरों को बोलता हूँ, मैं अपने फैंस को बोलता हूँ कि आप लोग उस गाने को प्यार दीजिए जो कल रिलीज हो रहा है और मेरा परसों रिलीज हो रहा है। तो बस मैं चाहता हूँ कि दोनों भाइयों को दी जी भर के, जितने भोजपुरी समाज के लोग हैं, आप प्यार दीजिए, भर दीजिए। और हमारा ही बड़े भाई नहीं है वो, हमारे ऑडियंस जितनी मुझे प्यार करती है सबके बड़े भाई हैं। आप लोग उनका सम्मान करिए और कल के गाने जो उनके रिलीज हो रहे हैं खूब प्यार दो, खूब भर दो, पगले प्यार से भर दो। और परसों मेरा हो रहा है, जिस तरह आरा वाले गाने को आप लोगों ने मोहब्बत से भर दिया, पांच पांच ट्रेंडिंग में लाया आपने, आज तक ऐसे किसी कलाकार के साथ, किसी भाषा के कलाकार के साथ नहीं हुआ कि एक साथ पांच गाने ट्रेंडिंग में हो। वो किस नंबर पे है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उसकी पोजीशन, पांच गाने एक कलाकार के एक प्लेटफॉर्म पे और ट्रेंड कर रहा हो, तो ये सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है जी। आपके अंदर कितनी मोहब्बत खेसारी लाल यादव के प्रति होती है। तो कल भैया का रिलीज गाना हो रहा है, मैं परसों कर रहा हूँ, तो आप दोनों गानों को प्यार दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने भी अलग करने की कोशिश की है। और परसों मतलब 7 तारीख, यानी 7 तारीख को मेरा रिलीज हो रहा है, 6 को मेरे बड़े भाई का रिलीज हो रहा है। तो मेरे बड़े भैया को प्यार और मोहब्बत से भर दीजिए, और बड़े भैया भी कल लाइव आएंगे और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देंगे, बोलेंगे जी मेरे भाई का गाना सुनो। क्योंकि मैं जानता हूँ उस आदमी को, मेरे बड़े भाई हमेशा मुझे प्यार किए हैं और मुझे प्यार करते रहेंगे। लव ही मेरे भैया, लव ही ऑडियंस, और लव ही मेरी जान, मेरी जिंदगी, जो मुझे मोहब्बत करते हैं।